हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट विद द एथ चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास फाइव दैट इज मेजरमेंट इन दिस वी विल स्टडी अबाउट हाउ वी मेजर लेंथ वेट एंड कैपेसिटी एंड हाउ वी ऐड सब्ट्रेक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देम सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड द टेबल दिस इज लेंथ लेंथ में जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हमारा हम जो स्टैंडर्ड यूनिट आता है वो आता है मीटर्स उसका जो टेबल है वो इस तरह से है सबसे बड़ा होता है आपका किलोमीटर उससे छोटा आपका हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, मीटर मीटर डेसी मीटर एंड मिलीमीटर। किलोमीटर को के एम के फॉर किलो एम फॉर मीटर हेक्टोमीटर को एच एम डेका को डी एम मीटर को एम डेसी को डी एम सेंटी को सी एम एंड मिलीमीटर को एम एम ये हो गया आपका लेंथ के लिए जिससे जैसे ही हम इस तरफ से इस तरफ जाते हैं वैसे ही हम टेन से हम क्या करते हैं टेन से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक स्टेप के लिए मीन्स अगर मैं एक स्टेप इस तरफ गई हूँ तो एक बार टेन से दो बार गई हूँ तो दो बार टेन से या फिर हम बोल सकते हैं कि वन के साथ हम कितने जीरोस लगाते हैं जितनी बार हम इतने स्टेप मूव करें वन स्टेप तो वन के साथ वन जीरो टू स्टेप्स तो वन के साथ टू जीरोस थ्री स्टेप्स तो वन के साथ थ्री जीरोस एंड उस नंबर से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं और जब हम छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो सेम रहेगा टेन से हमें डिवाइड करना है हर स्टेप के लिए लेकिन पहले यहां ऊपर मल्टीप्लाई था नीचे क्या हो गया डिवाइड नाउ नेक्स्ट आता है आपका वेट वेट में स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम सेम रहेगा वहां किलोमीटर था या किलोग्राम हेक्टोमीटर हेक्टोग्राम और कैपेसिटी में आता है लीटर तो किलो लीटर सेम रहता है किलो लीटर किलोग्राम किलो लीटर किलो हेक्टोमीटर हेक्टोग्राम हेक्टोलीटर डेकामीटर, डेका ग्राम डेका लीटर मीटर ग्राम लीटर डेसी मीटर डेसीग्राम एंड डेसी लीटर सेंटीमीटर सेंटीग्राम एंड सेंटी लीटर मिलीमीटर मिली ग्राम एंड मिली लीटर तो इस तरह से हम करते हैं तीनों में सेम कंसेप्ट है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय टेन करेंगे हर एक स्टेप के लिए और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो डिवाइड बाय टेन करेंगे हर एक स्टेप के लिए अब वो कैसे करते जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में देन हमें वो क्लियर होगा लुक एट एक्सरसाइज 8.1 पॉइंट वन फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको दे रखा फाइव पॉइंट सेवन फोर मीटर आपको इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं ये मीटर्स में है सबसे पहले जब भी डेसिमल में हो सबसे पहले हम क्या करेंगे छोटी क्वांटिटी में जाएंगे मीटर आपका बड़ा है सेंटीमीटर से क्योंकि अगर आप इधर देखें तो मीटर पहले आता है सेंटीमीटर बाद में तो जितना नंबर इस राइट right की तरफ होता है उतना ही उसकी जो यूनिट है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है तो इट मीन्स अब यहाँ पे मीटर हमारा बड़ा है सेंटीमीटर छोटा तो मैं दोनों को इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फाइव पॉइंट सेवन फोर को अगर आप देखेंगे हम कितने स्टेप मूव कर रहे हैं सेंटीमीटर से मीटर से सेंटीमीटर में वन टू और हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और वन के साथ कितने जीरोज लगाएंगे टू या फिर टू टाइम्स टेन से हम बोल सकते हैं टू टाइम्स टेन से तो टेन टेन द हंड्रेड तो वन के साथ जीरोज जीरो कितनी आ गई अल्टीमेटली टू आ गई अब हमने डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम डेसिमल हटाते हैं और डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस होते हैं उतनी वन के साथ जीरोज लगा देते हैं तो यहां से जब मैंने पॉइंट हटाया तो वन के साथ टू जीरोज लग गई तो ये वाला हंड्रेड इस वाले हंड्रेड से कैंसल क्योंकि ये नमरेटर में है और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बच गया फाइव सेवनटी फोर तो फाइव सेवेंटी फोर सेंटीमीटर आपका क्या हो गया कन्वर्ट हो गया मीटर वाला जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया नाउ अब मुझे क्या करना है मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा जैसे 574 सेंटीमीटर है तो 100 हमारा हमें ये पता लगे कि मेन टू जीरोज है 100 के लिए है टू स्टेप्स है तो पीछे से मैं टू डिजिट्स काउंट करूंगी 74 74 मैंने अलग कर दिया अगर 574 में से 74 अलग हो गया तो सिर्फ क्या रह गया 500 अब 500 को आप मीटर में चेंज कर देंगे और 74 जो आपने अलग किया था उसको आप सेंटीमीटर में ही छोड़ देंगे तो जब हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है जब हम मीटर से सेंटीमीटर में गए थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था 100 से अब हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं तो मैं डिवाइड करूंगी हंड्रेड से ये टू जीरो से टू जीरो में डिनोमिनेटर में वन का कोई मतलब नहीं होता सिर्फ रह गया फाइव तो ये हो गया आपका मीटर फाइव मीटर सेवेंटी फोर सेंटीमीटर तो कन्वर्ट करके मीटर के आगे आ गया फाइव एंड सेंटीमीटर के आगे आ गया फोर ये हम देखें तो अगर पॉइंट से पहले वाला जो है वो हो गया फाइव और पॉइंट के बाद टू डिजिट्स हैं तो डायरेक्ट हमने लिख दिया सेवेंटी फोर टू डिजिट से डायरेक्ट क्यों लिखा क्योंकि हंड्रेड होता है दो स्टेप है दो स्टेप के लिए आपका हंड्रेड होता है और हंड्रेड में भी कितनी जीरोज होती हैं टू तो और यहां पे भी आपके टू ही डेसिमल प्लेसेस तो हमने डायरेक्ट लिख दिया फाइव पॉइंट सेवन फोर सिमिलरली अगर आप देखो तो 6.4 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर और मिलीमीटर mm में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से मिलीमीटर mm में जाने का एक ही स्टेप है तो इट मींस आपका वन के साथ वन जीरो दैट इज टेन तो यहां पे सिक्स आपका सेंटीमीटर में आएगा फोर आपका मिलीमीटर mm. में लेकिन हम कन्वर्ट कैसे करेंगे सिक्स पॉइंट फोर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए टेन से मल्टीप्लाई किया पॉइंट हटाया नीचे टेन आया टेन से टेन कैंसिल क्या रह गया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर मिलीमीटर अब ऊपर हमने क्या किया था दो डिजिट अलग की थी क्योंकि हंड्रेड था और हंड्रेड में कितनी जीरोज़ होती हैं टू अब यहाँ पे टेन है तो टेन में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं वन तो मैं एक डिजिट अलग करूंगी तो सिक्सटी फोर में से अगर मैंने फोर अलग कर दिया तो सिक्सटी बच गया अब ये तो मैं मिलीमीटर में ही छोड़ दूंगी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए टेन से मल्टीप्लाई किया था अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए टेन से डिवाइड तो ये ज़ीरो से जीरो कैंसर सिर्फ सिक्स रह गया या आप सिक्सटी को टेन से डिवाइड भी करेंगे ना अगर आप जनरली भी सिक्सटी को टेन से डिवाइड कर रहे हैं अगर आपको कटिंग नहीं आ रही है तो टेन सिक्स था सिक्सटी क्या आ रहा है आपका आंसर सिक्स तो यहाँ पे आपका ये सिक्स सेंटीमीटर फोर मिलीमीटर तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी लिख सकते हैं सिमिलरली फिफ्थ पार्ट बताऊं तो ये टू पॉइंट सिक्स सेवन फाइव किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज करना है तो जब हम किलोमीटर टू मीटर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने स्टेप्स हैं वन टू थ्री तो वन के साथ कितनी जीरोस लगेंगी हमारे यहाँ पर थ्री तो वन के साथ थ्री जीरोस लगाई अब इसका डेसिमल हटाया तो इसके नीचे थ्री जीरोस आ गई वन के साथ और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में थाउजेंड था क्योंकि हमने ये कन्वर्ट करने के लिए किया तो थाउजेंड एउजेंड कैंसल सिर्फ टू सिक्स सेवन फाइव रह गया तो टू पॉइंट सिक्स सेवन फाइव किलोमीटर मतलब टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव मीटर्स नाउ एक बार सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं सेवन पॉइंट एट किलोमीटर है तो पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट के देखो सेवन तो किलोमीटर हो गया लेकिन आपका जो किलोमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं तो थ्री जीरोज हैं लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है तो थ्री डिजिट चाहिए तो अगर आप इसको जनरली इक्विवेलेंट डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो पीछे ज़ीरो लगा देते हैं हम तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होती थ्री डिजिट्स बना दिए ना तो आप इसको क्या बोल सकते हैं सेम वैल्यू है दोनों की क्योंकि डेसिमल प्लेसेस में अगर हम पीछे जीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो हम इसको क्या बोल सकते हैं सेवन किलोमीटर एट हंड्रेड मीटर कन्वर्ट करके भी अगर देखें तो सेवन पॉइंट एट को थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया पॉइंट हटाया तो नीचे टेन आ गया मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड जीरो से ज़ीरो कैंसिल सेवेंटी एट को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेवेंटी एट हंड्रेड मीटर अब एक जीरो थी नीचे तो थाउजेंड की एक ही जीरो कटी है तो हंड्रेड रह गया सेवनटी एट हंड्रेड मीटर अब इसमें थ्री होते हैं क्योंकि थाउजेंड में थ्री जीरो तो पीछे की थ्री डिजिट्स अलग कर दी एट हंड्रेड और सेवन थाउजेंड अलग कर दिया जब सेवनटी एट हंड्रेड से एट हंड्रेड अलग किया तो सिर्फ सेवन थाउजेंड रह गया उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड थ्री जीरो से थ्री जीरो कैंसिल क्या रह गया सिर्फ सेवन किलोमीटर एट हंड्रेड मीटर नाउ आंसर आ गया आपका सेवन किलोमीटर एट हंड्रेड मीटर तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप कि अगर आप किलोमीटर से मीटर में गए तो पहले आपने थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया फिर मिल किलो किलोमीटर मीटर से किलोमीटर में गए तो आपने थाउजेंड से डिवाइड किया तो हम जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स आप ट्राई करेंगे एक बार एट्थ पार्ट और देखेंगे ये सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं टू स्टेप्स हैं अगर आप यहाँ पे टेबल बना के दूँ मैं आपको तो किलोमीटर हेक्टोमीटर डेका मीटर मीटर डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो आप सेंटीमीटर टू मीटर जा रहे हैं इस तरफ आ रहे हैं कितने स्टेप्स हैं आपके टू इस तरफ आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो वन के साथ कितनी जीरोज लगेंगी हमारी टू तो मैं यहाँ पे हंड्रेड से डिवाइड करूंगी अब ये हमारी फ्रैक्शन है तो टू जीरोज हैं वन के साथ तो टू डिजिट से पहले क्या लग गया पॉइंट तो क्या बन गया ये नाइन पॉइंट वन फाइव मीटर सिमिलरली इसके बाकी पार्ट्स है वो लोग आप खुद ट्राई करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर टू है कम्प्लीट द टेबल इसका आपको मैं एक पार्ट है मेजरमेंट आपको मीटर सेंटीमीटर में कन्व निकालनी है और सेंटीमीटर में निकालनी है सिर्फ मीटर में गिवन है तो जब भी आपको मीटर्स में डेसिमल में दे रखा होता है सबसे पहले मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले छोटी यूनिट पे जाना है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब आप मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं अब आप इधर से इधर जा रहे हैं तब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दो स्टेप्स हैं तो वन के साथ टू जीरो हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो आपने थर्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया पॉइंट हटाया टू डेसिमल प्लेसेस थे तो नीचे की टू जीरो आ गई हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल क्या रह गया आपका थ्री फाइव 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 तो सेंटीमीटर में तो आपका आ गया थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव अब इसको मीटर सेंटीमीटर में करने के लिए टू तो पीछे के पीछे के टू डिजिट्स uh, आप अलग करेंगे फिफ्टी फाइव अलग कर लिया थर्टी फाइव फिफ्टी फाइव में से फिफ्टी फाइव अलग कर लिया क्या रह गया थर्टी फाइव हंड्रेड ये जो अलग हुए हैं उनकी जगह आपकी जीरो आ गई अब इसको जब आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हंड्रेड से डिवाइड किया हंड्रेड से डिवाइड करने पर क्या हुआ टू जीरो से आपकी टू जीरो कैंसिल हो गई सिर्फ क्या रह गया थर्टी फाइव तो मीटर मीटर में कन्वर्ट होकर क्या हो गया ये थर्टी फाइव मीटर और ये हो गया आपका फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर अब एक पार्ट ऐसा देखते हैं जिसमें आपको सेंटीमीटर में गिवन था तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा हुआ है आपको इसमें करना है मीटर सेंटीमीटर में और मीटर्स में तो पहले मैं मीटर सेंटीमीटर में कर रही हूं हमें मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए दो स्टेप हैं तो पीछे की दो डिजिट आपने अलग कर ली 427 में से 27 गया तो क्या बच गया सिर्फ 400 तो इसको आप सेंटीमीटर में छोड़ेंगे इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए छोटे से, से बड़े में जा रहे हैं तो हमने डिवाइड किया 100 से 20 से 20 जीरो कैंसिल क्या रह गया 4 मीटर 27 सेंटीमीटर तो इसमें आ गया आपका 4 मीटर 27 सेंटीमीटर अब बिगर यूनिट्स में जाने के लिए आप क्या करते हैं 427 सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो आपने 100 से डिवाइड करना है टू डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया क्या बन गया आपका फोर पॉइंट टू सेवन मीटर्स तो इसका आ गया आपका फोर पॉइंट टू सेवन मीटर्स नाउ एक्सरसाइज एट पॉइंट टू एट पॉइंट वन में हमने जो पढ़ा सारा लेंथ से रिलेटेड पढ़ा सेम टू सेम आपकी एक्सरसाइज एट पॉइंट टू है जस्ट आपका चेंज है कि आपका लेंथ की जगह अब आप वेट में पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है 7.264 पॉइंट इसको आपने किलोग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है तो जब हमारा डेसिमल में होता है सबसे पहले हम स्मॉलर यूनिट्स में जाते हैं तो इसको किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए बड़े से छोटे में जाने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई बिकॉज किलोग्राम से ग्राम के बीच में आपके थ्री स्टेप्स है तो वन के साथ थ्री जीरोज इसका डेसीमल हटेगा अगर यहां से डेसीमल हटाऊं तो नीचे थ्री जीरोज आ गई थ्री जीरो थाउजेंड से आपका थाउजेंड कैंसल सिर्फ सेवन टू सिक्स फोर ग्राम तो सेवन टू सिक्स फोर ग्राम आ गया अब इसमें आपको ग्राम और किलोग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है तो थ्री जीरोज है तो पीछे की थ्री डिजिट्स आपने अलग कर दी टू सिक्सटी फोर सेवन थाउजेंड टू सिक्सटी फोर से टू सिक्सटी फोर गया तो बच गया आपका सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड से थाउजेंड डिवाइड किया थ्री जीरो से थ्री जीरो कैंसिल सिर्फ सेवन रह गया तो सेवन किलोग्राम ये आपने ग्राम में ही छोड़ दिया टू सिक्सटी फोर ग्राम तो आंसर आ गया सेवन किलोग्राम टू सिक्सटी फोर ग्राम्स थर्ड पार्ट देखें तो 0.750 किलोग्राम है इसको आपको ग्राम में चेंज करना है तो इसको आपको क्या करना है थाउजेंड से मल्टीप्लाई ये डेसिमल हटाया तो नीचे थ्री जीरोस आ गई थाउजेंड से थाउजेंड कैंसिल क्या रह गया बच गया सिर्फ 750 बच गया तो आंसर आ गया आपका ग्राम में 750 ग्राम नाउ अगर आपको ऐसे दे रखा है 9 1/2 किलोग्राम तो आप क्या करेंगे हम आ, हमने फोर्थ क्लास में पढ़ा था आप आपको याद हो तो नाइन को आप अलग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे वन बाय टू को अलग तो किलोग्राम से जब ग्राम में जाते हैं तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई तो नाइन को अलग थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया एंड वन बाय टू को अलग से थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया तो नाइन इन टू थाउजेंड नाइन थाउजेंड थाउजेंड वन द थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू थाउजेंड को टू से डिवाइड किया तो फाइव हंड्रेड आया नाइन थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड नाइन्टी फाइव हंड्रेड तो आपका नाइन वन बाई टू किलोग्राम मतलब नाइन्टी फाइव हंड्रेड ग्राम नाउ अगर आप ये देखें तो नाइन्टी नाइन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ग्राम है इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए थाउजेंड से डिवाइड थ्री जीरोज हैं तो थ्री डिजिट से पहले जीरो वन टू थ्री यहाँ पे डिजिट लगेगी पॉइंट लगेगा तो लेकिन पॉइंट से पहले एक डिजिट होनी जरूरी है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी जीरो या आप अपने आप यहाँ पे जीरो ऐड कर दें पहले उसके बाद पॉइंट लगाएं तो वन टू थ्री यहाँ पॉइंट लगेगा तो बन जाएगा जीरो पॉइंट नाइन 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 किलोग्राम तो आपका आंसर आ गया जीरो पॉइंट नाइन 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 किलोग्राम्स सेकेंड क्वेश्चन है आपका सेम कंप्लीट द टेबल सिक्स के जी और थ्री हंड्रेड ग्राम दे रखा था इसको हमें के जी में कन्वर्ट करना है और ग्राम में तो अगर पहले मैं इसमें इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूं तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम सिक्स के है ये तो ऑलरेडी ग्राम में है सिर्फ सिक्स के को कन्वर्ट करेंगे तो वन ग्राम uh, में वन किलोग्राम में थाउजेंड होते हैं तो सिक्स किलोग्राम में करने के लिए सिक्स को थाउजेंड से मल्टीप्लाई सिक्स थाउजेंड ग्राम आ गया तो सिक्स के को ग्राम में कन्वर्ट किया तो आपका आया सिक्स थाउजेंड ग्राम तो सिक्स के जी थ्री हंड्रेड ग्राम के लिए सिक्स को आपने जब कन्वर्ट किया तो सिक्स थाउजेंड प्लस कर दिया ये वाला थ्री हंड्रेड क्या आ गया आपका सिक्सटी थ्री हंड्रेड ग्राम तो ग्राम में कन्वर्ट करके क्या आया आपका सिक्सटी थ्री हंड्रेड ग्राम सिमिलरली अब आपने इसको किलोग्राम में करना है तो जब हम ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो हम थाउजेंड से डिवाइड करते हैं तो आपने सिक्सटी थ्री हंड्रेड को थाउजेंड से डिवाइड किया तो टू जीरो से टू जीरो के क्या बच गया सिक्सटी थ्री बाय टेन टेन के साथ वन जीरो है तो वन डिजिट से पहले पॉइंट लग गया क्या बन गया आपका सिक्स पॉइंट थ्री के जी तो आपका आंसर आ गया सिक्स पॉइंट थ्री किलोग्राम इसी तरह से आपके बाकी के पार्ट्स हैं सेकेंड क्वेश्चन में सेम जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे और uh, सेम आपके सेकेंड में है तो वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8.3 8.3 में हम कैपेसिटी का पढ़ेंगे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है बट आपकी थ्री एक्सरसाइज में डिवाइड किया वन लेंथ के लिए वन आपका वेट के लिए एंड वन आपका कैपेसिटी के लिए तो वन पॉइंट है पॉइंट में होता है तो पहले छोटे वाले में जाएंगे मिलीलीटर में जाने के लिए थ्री स्टेप्स हैं तो वन के साथ थ्री जीरो यानी थाउजेंड से मल्टीप्लाई डेसिमल हटाया तो डिवाइड में थाउजेंड आ गया थाउजेंड से थाउजेंड कैंसिल क्या बच गया फोर्टीन फिफ्टी मिली अब इसको मुझे लीटर और मिलीलीटर में करना है थ्री जीरोज होती हैं थ्री स्टेप्स होते हैं तो पीछे के थ्री डिजिट्स अलग कर लिए फोर फिफ्टी तो वन थाउजेंड फोर फिफ्टी में से फोर फिफ्टी अलग हुआ तो क्या रह गया आपका थाउजेंड अब इसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे ये आप मिलीलीटर में ही छोड़ देंगे तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मिलीलीटर से हमने थाउजेंड से डिवाइड किया थाउजेंड से थाउजेंड थ्री जीरो से थ्री जीरो कैंसिल सिर्फ वन बच गया तो वन लीटर फोर फिफ्टी मिली लीटर तो यहां पे आ गया आपका वन लीटर फोर फिफ्टी मिली लीटर इसी तरह से आपके बाकी के पार्ट्स होंगे नाइन्थ पार्ट देखें अगर हम तो हमें टेन थ्री बाय फोर लीटर्स को मिली लीटर में कन्वर्ट करना है तो टेन को अलग से करूंगी थ्री बाय फोर को अलग से तो लीटर टू मिली लीटर जाने के लिए आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन को थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया तो टेन थाउजेंड थ्री बाय फोर को टेन थाउजेंड थ्री बाय फोर को थाउजेंड से किया तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड थ्री थाउजेंड फिर उसको आपने फोर से डिवाइड करना है तो थ्री थाउजेंड को फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सेवन फिफ्टी तो टेन थाउजेंड प्लस सेवन फिफ्टी इज टेन थाउजेंड सेवन फिफ्टी मिली लीटर्स लीटर एंड मिली लीटर में तो टेन थाउजेंड सेवन फिफ्टी में थ्री स्टेप्स हैं तो पीछे की थ्री डिजिट्स अलग तो टेन थाउजेंड सेवन फिफ्टी में से सेवन फिफ्टी गया तो क्या बच गया आपका टेन थाउजेंड इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में ये हम मिली लीटर में ही छोड़ेंगे थाउजेंड से डिवाइड करेंगे थ्री जीरो से थ्री जीरो कैंसिल क्या बच गया सिर्फ टेन तो ये बन गया आपका टेन लीटर सेवन फिफ्टी मिली लीटर तो आपका आंसर आ गया टेन लीटर सेवन फिफ्टी मिली लीटर इसी तरह से आप बाकी पार्ट करेंगे नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट द टेबल वन लीटर सेवन सेवनटी मिली लीटर को कन्वर्ट करना है तो पहले मैं मिली लीटर में जाऊंगी वन लीटर सेवन सेवनटी मिली लीटर ये ऑलरेडी मिली लीटर में है सिर्फ वन लीटर को करेंगे वन लीटर में थाउजेंड मिली लीटर होते हैं तो वन लीटर सेवन सेवनटी मिली लीटर में थाउजेंड वन लीटर की जगह मैंने थाउजेंड लिख दिया थाउजेंड प्लस सेवन सेवेंटी दैट इज सेवन टीन थाउजेंड सेवन सेवनटी मिली लीटर तो मिली लीटर में कन्वर्ट करके आया वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब मिली लीटर टू लीटर जाते हैं हम थाउजेंड से डिवाइड करते हैं तो थ्री जीरोज हैं तो थ्री डिजिट से पहले पॉइंट लग गया वन टू थ्री यहां पॉइंट लगेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका वन पॉइंट सेवन सेवन जीरो लीटर्स इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स करेंगे नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो